चालू करें। सारे निकाय स्थानीय प्राधिकार चुनाव का जैसे जैसे चुनावी डेट नज़दीक आ रहा है, सरगर्मियाँ बढ़ना चालू हो गया है। आप देख सकते हैं कि सचिता नंद राय के यहाँ पे जनसंपर्क हो रहा है और जनसंपर्क में यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो नारा दिया जा रहा है 4000 पार, ये 4000 पार क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट जनप्रतिनिधि से ही हमने, कुछ जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, जो 4000 पार के नारा दिया जा रहा है कि ये क्या है 4000 पार? 4000 पार का नारा जो है हम लोगों के प्रतिनिधि का मान सम्मान का जो आवाज़ उठाए थे सदन में, हम लोग इसीलिए वोट देने की फिर में हैं कि फिर हम लोग आवाज़ को उठाए। क्या लग रहा है टिकट कटने के बाद ये स्थिति उससे अच्छा रहेगा कि खराब हो सकता है? लड़ाई तो है उससे अच्छी स्थिति रहेगी, इस बार स्थिति उससे अच्छी रहेगी। तो देख सकते हैं साफ तौर पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्थिति जो होगा जो पिछले साल था उससे अपेक्षा आपकी अच्छा होगा। और भी जनप्रतिनिधि उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और भी जनप्रतिनिधि हैं डायरेक्ट बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जनसभा में कितने लोग उपस्थित हुए हैं और लगातार उन लोग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सचिदानंद राय पिछले साल से आपके रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे? रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, पूरे उम्मीद कर सकते हैं सारे प्रतिनिधियों के देख करके और बातें चीज जो होती है वो देख करके। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है लगातार जो है अपना ये जनसभा कर रहा है सचिदानंद राय, और जनसभा में जिस तरह से इनके समर्थन मिल रहा है देखकर ये अंदाजा किया जा सकता है कि इनकी टक्कर में अभी तक कोई नहीं है। और भी जनप्रतिनिधि उनसे बात करने की कोशिश, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सचिदानंद जी ने बहुत बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। किस उम्मीद पर आप लोग मत दे रहे हैं? आप काम की उम्मीद पर, कौन से काम किए हैं कि उस उम्मीद पर आप लोग? हम लोग जो काम आगे बढ़ाए हैं उन्हीं का देन है। कौन सा काम बढ़ाए? जैसे आपका तनख्वाह भी बढ़ी हुई है और पेंशन के लिए उन्होंने बताया है जो आपकी मांग किए हैं, तो सब उन्हीं का देन है। जो आगे हम लोग का कोई जल नल हुआ, पक्की नली गली, सब अभी जो आ रहा है उन्हीं का देन है। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर कायम है, जिस वजह से सचिदानंद राय के सपोर्ट में जनप्रतिनिधि टोटल यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये ईश्वापुर के प्रांगण है, ईश्वापुर के बाजार पे है, मठ के पास जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, उनसे डायरेक्ट हम बात करने की, और भी जनप्रतिनिधि उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आखिर सचिदानंद राय को ही लोग चाहते क्यों हैं, आखिर सचिदानंद राय को ही क्यों चाहते? वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट वही है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, वो नए तरीका से ही काम करते हैं। पिछले 6 सालों में उन्होंने जो चीज़ किया है ठीक है, वो सराहनीय है। क्योंकि एक वार्ड सदस्य जो निम्न वर्ग का चुनाव होता है, एक वार्ड सदस्य को कुछ नहीं मिलता था, कुछ कोई कुछ समझता ही नहीं था, उनके बदौलत जो गए इस बार की उम्मीद पर वोट कर जी, इस बार जो उससे बेटर होगा। क्या बेटर हो? विकास होगा, सैलरी बढ़ेगी, काम मिलेगा और विकास भी होगा। बिल्कुल, तमाम मुद्दों पे जो है जनप्रतिनिधि के उस पर काम करने की जो दावा किए हैं उसी उम्मीद पे जो जनप्रतिनिधि है इस बार वोट करने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं और खुद लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। डायरेक्ट हम सचिदानंद राय से ही बात करते हैं कि आखिर क्यों हर सभा में सचिदानंद राय की ही आवाज़ क्यों आ रही है। तो डायरेक्ट सर से बात करना, सर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, खाली सचिदानंद राय के ही नाम क्यों आता है? अब देखिए, तो मैं नहीं जानता क्यों आता हूँ, अब लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, लेकिन मैं जो संकल्प लेता हूँ उसका पूरा करने का काम करता हूँ। पिछली बार जो मैंने संकल्प लिया था, भीख नहीं अधिकार चाहिए, गाँव की सरकार चाहिए, उसमें सफलता मिली और नीतिगत निर्णय हो गए हैं। और इस बार पंचायतों को मिले उनकी सरकार और वेतन पेंशन भी, अब की बार इस 2 संकल्प के साथ जा रहा हूं ताकि जो नीतिगत निर्णय हुए हैं वो पंचायतों में धरातल पर उतरे, तक पंचायतों को उनकी सरकार मिले, और पंचायतों को सरकार मिले कि उनके सारे अधिकार मिल जाएंगे, अधिकार के साथ में उनके काम काज बढ़ेंगे, मजदूरी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से एक समय आएगा जब वेतन पेंशन की लड़ाई भी मैं लड़कर जीतने में सफल हो पाऊँगा, इसी 2 संकल्प के साथ जा रहा हूँ। और शायद ये मेरे संकल्प ही इनको पसंद आ रहे हैं कि पिछली बार जो संकल्प लिया था बड़ा सीधा था, भीख नहीं अधिकार चाहिए, गाँव की सरकार चाहिए, 4000 पार के जो नारा दिया जा रहा है, ये क्या? ये मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे समर्थक दे रहे हैं कि अब की बार 4000 पार। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि सचिदानंद राय है और ये जनप्रतिनिधि के तमाम मुद्दों पर ये इन्होंने जाकर विधान परिषद में उठाने के काम करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे उपस्थित जितने भी जनप्रतिनिधि है वो लगातार सचिदानंद राय के ही नाम गाते हैं। कैमरा पर्सन सेंडेलिया के साथ मैं चंदन कुमार चंचल, छपरा।